दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग लाइनअप, दुनिया की सबसे बड़ी, मतलब आज तो सोचा था कम से कम आज तो जीत जाते यार 346। माना कि वार्म अप गेम है, माना कि वार्म अप गेम है। एक तो मुझे ये बता दो, मोहम्मद वसीम जूनियर सिवाय उसको अपनी जुल्फे संवारने के मैंने तो आज तक नहीं देखा वो आदमी कभी, मतलब उसकी कुटाई ना हुई हो। वो कुटाई खाता है उसके बाद दांत दिखाता है। उसको अगरबत्ती के इश्तेहार में रखे हैं आप लोग, ऐसे नमस्ते करवाते हुए कि आइए अगरबत्ती खरीद ली थे मुझसे, है ना, उसके बाद बत्ती लगवा दी। कमाल की मतलब उनकी यार बॉलिंग है इन लोगों की। आप देखिए पाकिस्तान का, मैंने आपको एशिया कप में बोल दिया था इनके पास बॉलिंग है ही नहीं, इतना कुटापा, इतना कुटापा, मतलब मार मार के भरता बना दिया। जो आ रहा है मंदिर के घंटे की तरह इनको बजाई जा रहा है, बजाई जा रहा है। भाई कितना बार हो गया यार, बाय द वे 40 बॉल पहले जीते हैं, 40 बॉल पहले 346 चेज हो गया इन्होंने, मतलब क्या आज 450 चेज कर देना था। इतना बुरी तरह मारा है कि हदे पार कर दी। अच्छा वार्म अप मैच जरूर था, मैं समझ गया सब कुछ। एक बात बताओ, इंडिया से तुमने खा लिए थे 357, श्रीलंका के साथ वहां तो तुम्हारी अच्छी खासी बॉलिंग परफॉर्म कर रही थी, बेस्ट बॉलिंग इन द वर्ल्ड, बेस्ट बॉलिंग है जी, कांप रहे टांगे, कांप रही है लोगों की। श्रीलंका से 42 ओवर में 252 खा लिए थे तुमने, 42 ओवर में 252, और आज आप देखिए 346 रन है। वो हलवे की तरह चेज मारा उन्होंने, हलवे की तरह। आपको आज नया लड़का पैर रखे थे, उसने छक्के चौके लगाए, रवींद्र तुक्के से, हसन अली की तो शुरू में लग रहा था कि कमबैक हो जाएगा, हसन अली क्या करेंगे, कॉनवे की सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। उसके बाद उन्होंने बोला चल बेटा ये तो डिसमिसल हो गया, देख कुटाई पे दिक्कत, कुटाई देख कुटाई पे दिक्कत, एक बार इनके बॉलिंग फिगर्स दिखा दो जरा। मतलब मैं कह रहा हूं जहन्नम की लानत है ऐसी बॉलिंग के ऊपर, रुक जाइए रुक जाइए। हारिस रॉफ 4 ओवर में 36 रन, तालियां बजाना चाहता हूं जी मैं इनके लिए, डुंगरिया दिखाने में नंबर वन है। स्लो क्लैप्स। ओ भाई ये इधर इंडिया में पिटाई होनी है बड़ी बुरी तरह, कहीं सोच रहे हो कि बच जाओगे, श्रीलंका की तरह ओवरकास्ट कंडीशन नहीं है यहाँ पे, वहां तो बारिशों का फिल्म, बारिशें होने के बावजूद मार खाई है तुमने। 4 ओवर में 36 रन, नौ की इकॉनमी रेट, ये मेरा टेंसी है भाई। उसके बाद हसन अली द जनरेटर, द पेट्रोल प्रोड्यूसर है, जनरेटर रुक गया, जनरेटर रुक गया। 7.2 ओवर्स में 59 रन, 8 की इकॉनमी, एक विकेट लिए, वो भी वो डेविड कॉन में भी सोचा था कैसे आउट हो, वो भी जस्ट शुरू में ही आउट हो गया। आगा सलमान स्पिनर 8 ओवर में 60 रन, 7.5 की इकॉनमी। उसामा मीर, इसकी चलो 7 से बच गई, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसकी 7 के नीचे इकॉनमी रेट हो, 6.8 यही है बस, 6.8 ऑलमोस्ट 7, 10 ओवर में 68 रन, 2 विकेट ये ले गया, और ये तो तुम्हारी टीम में भी नहीं होगा, इसको जगह खिलाओगे कहां, जो अच्छा बॉलर उसको मत खिलाना। मोहम्मद वसीम जूनियर, ये जुल्फे हैं तुम्हारी के रेशम का जाल, कितने खुश नसीब हैं वो चूहे जिन्होंने कुतरे तुम्हारे बाल, ये याद आता है, कतरे तुम्हारे बाल याद आता है, मैंने प्यार किया था। मोहम्मद वसीम जूनियर 7 ओवर 58 रन, एक विकेट मिली है, 8.3 की इकॉनमी रेट, इतनी बुरी तरह मार खाई। अच्छा हारिस रॉफ को 4 ओवर कराने के बाद बाबर ने बोला डेफिनेटली बाहर निकल जा, तो इतनी बुरी तरह मार खाई है मोहम्मद वसीम, मतलब मोहम्मद वसीम जूनियर को देख लो। उसके बाद नवाज, अच्छा इसमें से आज सिर्फ शादाब ने बॉलिंग नहीं कराई और शाहीन ने बॉलिंग नहीं कराई ना, वो करा भी लेते तो भी नहीं बचते, तो भी नहीं, चाचूर से भी नहीं करा, करा भी लेते तो भी नहीं। 43.4 ओवर्स में 346, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जो मर्जी हो, प्रैक्टिस मैच हो, जो मर्जी हो, यहाँ पे इतनी बुरी तरह कौन मार खाता है यार। अभी तो विलियमसन रिटायर्ड आउट होके चला गया, 350 तो सर 50 ओवर में चेज होते हैं, पूरे 50 ओवर खेलने के बाद ये दिखाइए, इसके बाद तो भाई तुम्हारी बॉलिंग हो ही नहीं रही, अच्छी हो ही नहीं रही। अगर आप सोच रहे हो हसन अली ओपनिंग बॉलिंग करा लोगे बच जाओगे, हारिस रॉफ ओपनिंग बॉलिंग करा लोगे बच जाओगे, आज इन्होंने बताया न्यूजीलैंड ने तुम्हें, तुम्हारा लेवल क्या है, एक्सपोज हो गया है। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन बाबर, नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन पाकिस्तान, नंबर वन, नंबर वन, आज इन्होंने बताया थे, तेन दसा मैं नंबर वन की, नंबर वन कौन है, इन्होंने बताया केन विलियमसन, अभी तो केन विलियमसन खेल नहीं रहा, बाहर ही होगा। हारिस रॉफ, हसन अली, ये तो तुम्हारे मेन प्लेयर खेलने ही वाले हैं ना। हारिस रॉफ खेलेगा, हसन अली ने भी खेलना है, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी तुमने खिलाना है, बोल रहे थे 4 पेसर के साथ, ये पेसर है, नवाज को भी खेलना है और उसामा, मुझे एक बात बताइए मोहम्मद वसीम जूनियर हम पर्ची पर्ची करते हैं, किसकी पर्ची है जूनियर, पता नहीं है जूनियर किसकी पर्ची है, कब तक सीनियर होगा, वर्ल्ड कप फाइनल खेल लिया लास्ट ईयर, यहाँ पे भी खेल लिया, इमर्जिंग एशिया कप में तो इसकी कटाई हुई थी, इसको धेड़ के रख दिया था, सुदर्शन वगैरह ने इतना कूटा था इसको, बुरी तरह मार पड़ रही है, हर बार मार पड़ रही है, जिसकी हदें पार हो चुकी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये लोग, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इनके पास बॉलिंग है क्या, ये बता दो मुझे, आप किसके बॉलिंग कराओगे, आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शाहीन,
उसके 10 ओवर कितने कर देंगे, कितने हो जाएगा उसके 10 ओवर? सिर्फ और सिर्फ शाहीन, बस एक ही फैक्टर रहता है कि ऊपर से शाहीन एक दो विकेट निकाल के ले दे तो बाकी सब ठीक कर लेते हैं, बाकी तो भाई साहब पूरी इतनी। अरे उनकी भी कुटाई करो वो फिर फेल हो जाते हैं, वो भी पिटता ही है बाद में, शुरुआत में विकेट ले पाते हैं, वरना तो ये यार आज तो ये एक्सपोज हो गया है। जो मर्जी बोल लो भाई, वार्म अप गेम है, न्यूजीलैंड के लिए भी वार्म अप गेम था, पार्ट टाइम बोले तो उन्होंने भी, न्यूजीलैंड ने चलो उन्होंने पार्ट टाइम पढ़वा के बनवा दिए 3-4-6, उन्होंने चेज भी इतना इजी चेज भाई, 43.4 ओवर्स में 350 चेज हो गया, इजी चेज, रचिन रविंद्र मार रहा है। ना बोलो तो क्या बोलूं, उनकी बैटिंग लाइनअप दिखा दो। अच्छा रचिन रविंद्र, मैं तो कभी ये बंदा ही नहीं सुना था, देखा नहीं इसको कभी, ओ आ ऊ के तुम्हारे को लपेट लुपूट के मार मूर के पोस्टर बना के चिपका के वापस भी चला गया, 100 रह गई उसकी यार, 100 रह गया, कोई बात नहीं, 100 के लिए का खेला बेहतर है भैया। दूसरा जो स्क्रीनशॉट दिखाया वो दिखा दो, 100 के लिए खेला ही है वो बेटा, इसको दिखाई नहीं दे रहा। हां नीचे करो थोड़ा, ये देखो कॉनवे 0 पे आउट हो गया, रचिन रविंद्र 97 रन 72 बॉल्स में 16 चौके और एक छक्का, 134 की स्ट्राइक रेट। अब मुझे ये बता दो, आपने पहले 10 ओवर में 33 रन क्या सोच के बनाए थे? आपने जो पहले 10 ओवर्स में टुक टुक बाजियां 10 ओवर्स में 33 बनाए थे, क्या सोच के बनाए थे? इंडिया में ये सब नहीं चलेगा भाई, यहां पे ऐसी पिचेस मिलेंगी जहां 350 बनेगा भी, 350 चेज भी होगा। विलियमसन 50 में 54 रिटायर्ड आउट हो गया, डैरिल मिचेल आया उसने मारा 57 में 59 वो रिटायर्ड आउट, सारे तो रिटायर्ड आउट जा रहे हैं इनके, एक जो तो विकेट इनके नाम की, लैथम आउट हुआ भी तेरे बॉल में मारा, डैरिल मिचेल ने मारा, विलियमसन ने मारा, 50 धोनी ने मार दिया, लैथम चलो आउट हो गया, ग्लेन फिलिप्स नीचे आओ, चैपमैन 65 रन, इतनी नीचे आके 40 बॉलों पे 59 का मतलब कितनी बुरी तरह मारा है, चैपमैन की चमार 150 की स्ट्राइकर उसकी, और नीचे आलता नीचे वाला दिखा, मिनिशम 21 में 33 भाई, आपके चैपमैन की 147 की स्ट्राइक रेट, 150 की स्ट्राइक रेट ओडीआई में, निशम की 160 की स्ट्राइक रेट ओडीआई में, 21 बॉल पे 33 रन, 3 चौके 2 छक्के निशम, 6 चौके 2 छक्के चैपमैन फोड़ दिया, उसके ऊपर चले जाओ 1 छक्का 16 चौके रविंद्र, मतलब रचिन रविंद्र तुम्हें तो कोई भी बच्चा पकड़ पकड़ के ठोक रहा है, मेरे को ये बता दो खिलाना किसको है, बॉलर कौन है आपके पास? हारिस को ओपनिंग बॉलिंग करा के देख लिया आपने आज, कुटापा सुपर कुटापा, मोहम्मद वसीम जूनियर वो पता नहीं क्या, वो पाकिस्तानी दोस्त भी बोलते हैं कि इनको हमने सिर्फ अपनी जुल्फे खलेरने के लिए और जुल्फे सवारने के लिए रखा हुआ है, आज तक मुझे नहीं याद कि उसने कब ढंग की बॉलिंग कराई हो, मोहम्मद वसीम जूनियर किस बात के भाई बॉलर हो आप, समझ में नहीं आ रही आपकी, इससे बड़े जमान खान था, चलो आपकी बैटिंग आई, बैटिंग ने बढ़िया करा मान लिया, अच्छा खेले आप, बाबर का इंटेंट अच्छी लगी, रिजवान की इंटेंट अच्छी लगी, न्यूजीलैंड ने तो आपको दिखा दिया कि पिच है कैसी यार, पाटा विकेट है बिल्कुल, जब तक आप बैटिंग कर रहे थे हमें लगा वाह यार क्या बैटिंग हो रही है, न्यूजीलैंड आया हम तो हमने बोला अच्छा ऐसी भी बैटिंग हो सकती है, बैटिंग हो सकती है, ऐसी बैटिंग हो सकती है इस पिच पे, तो आप कर क्या रहे थे ये समझ में नहीं आ रही। अगर आपकी बॉलिंग लाइनअप में यही बॉलर्स रहेंगे, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो मोहम्मद वसीम जूनियर हो, चाहे वो नवाज हो, है ना, आज शादाब नहीं निकला शादाब भी पिटते, शाहीन शाह अफरीदी निकला शाहीन शाह अफरीदी भी पिटते, बहुत बुरी तरह पिटते, अच्छा ही हो गया नहीं खेले। पाकिस्तान की बॉलिंग जैसे मैंने आपको बताया इंडिया से 357 खा लिया, 242 ओवर्स में चेस करवा दिया श्रीलंका से, एलिमिनेट हो गए एशिया कप में, उसके बाद यहां पर आए 350 रन 43 ओवर्स में, यार व्हाट द हेल इज दिस, 38 रन पहले अगर आप जो है 346 चेस करवा रहे हो उसका मतलब समझ रहे हैं आप, और इसे कहते हैं बेस्ट बॉलिंग अटैक, ये बॉलिंग लाइनअप 400 भी चेस करवा सकते हैं आराम से, 38 बॉल में 400 रन बन जाते हैं, बॉलर है क्या, मैं तो वही पूछ रहा हूं ना, आप एकदम से एशिया कप में बाबर भी है मेरे बेस्ट स्पिनर्स ने, मैं तो बेस्ट स्पिनर्स के साथ ही जाऊंगा, हमारी टीम कोई बुरी नहीं होती मान लिया, वार्म अप मैच है कोई टेंशन नहीं है इतनी बड़ी, यारिस रॉफ के वार्म अप मैच है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वार्म अप मैच भी काफी कुछ बता गया ना, जहां बाबर आजम के कॉन्फिडेंस बैटिंग के बारे में बता गया, जहां रिजवान की बैटिंग के बारे में बता गया, जहां साउथ शकील कहां था, साउथ शकील क्यों नहीं खिलाया तुमने एशिया कप साउथ शकील, ये बताओ पहले तो इस बात का जवाब दो, उसने जो आज बैटिंग करी है मान लिया जैसे मर्जी फ्लैटरा का जो भी हो, उसकी शॉट्स कितनी करारी क्रिस्प लगी है, 80 रन बनाए, 150 की स्ट्राइक रेट से खेला वो ऑलमोस्ट, जो इस पिच पे बनता था ना, बाबर खेला 150 की स्ट्राइक रेट से, ना रिजवान ने खेला 150 की स्ट्राइक रेट से, साउथ शकील ने खेला 150 की स्ट्राइक रेट से, और इस लड़के ने खेला 132 की स्ट्राइक रेट से, रचिन रविंद्र पहले था सचिन अब आ गया रचिन, कुटाप्पा हो तो ऐसा हो वरना ना हो, 72 बॉल्स में 97 रन्स भाई, स्ट्राइक रेट 132 की,
कोबरा हैट उठा के तो ऐसे पहनी कोबरा ने कि एंजॉय करेंगे आज लाइफ यार, इतना बुरा कोबरा, इतना बुरा कौन मारता है? नहीं देखो मैंने आज जब हम लाइव में भी देख रहे थे गेम, पता ही था कि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम खेल रही है, जिस तरीके से बॉलिंग हो रही थी यार, आपने 14-15 ओवर में इनसे 100 रन पड़वा दिए थे। जब आप चेज कर रहे होते हो, आपको शुरुआत में विकेट भी मिल गई, तो क्या करना होता है? अटैक करना होता है, अटैक के लिए जाते हो। कोई अटैक ही नहीं है। मान लिया वार्म अप गेम है, वार्म अप गेम है ठीक है, लेकिन वार्म अप गेम में भी कोई प्लान तो होगा। अरे हारिस रॉक न्यूजीलैंड के लिए भी तो वार्म अप गेम था। आप मुझे एक बात बताओ, अगर विलियमसन खेल रहा होता, अगर डेरिल मिचेल खेल रहा होता, अगर ये लोग रिटायर्ड, अगर सऊदी खेल रहा होता, तो इतने रन भी नहीं बनते। आपका जेमिसन खेल रहा होता, शायद तुम्हारे 350 नहीं बनता। अच्छा उनकी BCD टीम के अगेंस्ट तुमने, मतलब बॉलिंग के अगेंस्ट तुमने 350 मारे, जब वो तुम्हारी अच्छी खासी पूरी फुल स्ट्रेंथ, मतलब सिवाय शाहीन नहीं था, शादाब नहीं था। शादाब को तुमने पिछले पीछे भी देखा, कुछ करा नहीं है। अच्छा शादाब की स्पिन जब अच्छी नहीं लग रही तो बॉल क्यों नहीं कराई भाई उन्होंने? भाई जब खुद आप स्ट्रगल कर रहे हो, बॉलिंग तो करा के देख लो। शाहीन से आफरीदी बीच में मूड का मतलब ही तो ये है, शाहीन से आफरीदी का बीच में मूड भी पता था, यूं भी कर रहे थे कि चलो भाई मार पड़ गई, कुटापा हो गया, चित्रौल हो गई, तो मैं भी आना हूं। फिर उसको बाबर ने शायद बोल दिया, नहीं बह जा और चित्रौल हो जाने, बह जा और कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर सकते तेरी भी पिटाइयां देख के, तू ही एक हमारा शाहीन है बैठा रहे, कोई गल नहीं। आज तक उन्होंने कुटापा कर दिया। जब आप टॉप साइड के अगेंस्ट आओगे तो चित्रौल होनी पक्की है आपकी। आप ये देखो ना, हसन अली, किस्मत अच्छी थी कि पहली विकेट मिल गई, उसके बाद इस आदमी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब भी आया चपेड़ी खाई, मतलब बैट्समैन ने इतना मारा है, 7.2 ओवर्स में 59 रन्स, 8 की इकोनॉमी रेट, एक विकेट गलती से, वो भी आई मीन कितना बुरी तरह कुटाप्पा हुआ सारे बॉलर्स का, देख के मैं हैरान हूं। और आपने वर्ल्ड कप खेलने आप और रिलैक्स लग रहे थे सारे, ठीक है वार्म अप मैच है, बाबर आजम भी हंस रहे थे, माहौल भी फनी लग रहा था, बट कोई फनी होने वाली बात नहीं है। ये जो ख्वाब देख के आए हो ना, कि वो पूछ रहे कि आपने टॉप फोर में आना है, नहीं जीत न सर, आपने नंबर फोर तो बड़ा कम बोल दिया, हम तो नंबर वन देख रहे हैं, मतलब हम देख रहे हैं कि हम जीत रहे हैं वर्ल्ड कप, तो ये क्या ख्वाबों ख्यालों में भी मत सोचो भाई। बॉलिंग है क्या पहले ये तो दिखा दो। हारिस रॉफ रन मशीन आपका, हसन अली जब से आया, रोहित शर्मा खुश हो गया कि चलो भाई मेरे 70-80 रनों का इंतजाम हो गया है ना, अगर इसको न्यू बॉल दे दी तो 100 ही ना मार दूं भाई, है ना, मतलब 100 ही ना मार दूं इसके 10 ओवर में 100। वो रोहित शर्मा वहां खुश हो रहे कि रन मशीन, हसन अली इज बैक, कम ऑन गाइस, हाई फाइव। ये हारिस रॉफ शुरू में बॉल दी, आज कुटाप्पा बहुत पिटा है। शाहिन शाफी आज खेला नहीं, फिटनेस के इश्यूज, पता नहीं किस तरीके से बॉडी होल्ड अप करती है गेम में, तो एटलीस्ट ओवरऑल 7-8 गेम में कैसी आपकी बॉडी होल्ड अप करती है पता नहीं, है ना। उसको बोल रहे 35 मैच लगातार खेल के तो बाहर बैठ गए। शादाब कुटाप्पा, नवाज कुटाप्पा, एक उसामा मीर है सबसे कम इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कराने वाला बॉलर इनका था उसामा मीर, 10 ओवर 68 रन 2 विकेट्स, इकोनॉमी ऑफ 6.8, ऑलमोस्ट 7 की इसकी भी है, ये ठीक है। जैसी मर्जी पिच हो यार, अगर देखो दोनों खेले पिच के ऊपर ना, पाकिस्तान को या तो 450 मारना चाहिए था, जो मार सकते थे, ना सऊदी था, ना बोल्ड था, ना जेमिसन था, वहां पर भी तुमने 350 मारा, उन्होंने तो ऐसा चेस करा 350 जैसे कि 200 रन है, कहीं पे भी उनको ये आ गया मेरा भाई, इसको कोई इश्तेहार दे दो, कोई इसे मतलब कि कोई एडवर्टाइजमेंट करवा लो, कोई रैंप पे मॉडलिंग करवा लो इनसे, है ना, वो कछुआ छाप के कोई कुछ तो करवा लो इनसे, ब्रांड एम्बेसडर बनवा लो। ये किस बात का प्लेयर है मोहम्मद वसीम जूनियर, वो कहां गया शाहनवाज धानी? ओ भाई आप हारते हो तो हमारे लिए भी नुकसान होता है, हम चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल हो, आप समझते क्यों नहीं हो? आप हारे जा रहे हो और बातें बड़ी बड़ी होती है, हमेशा कॉन्फिडेंस आता है कि जी अच्छा कर जाएंगे, बैटिंग ने तो ठीक ठाक कर दिया, बॉलिंग है ही नहीं कर दिया भाई, बॉलिंग का ऑप्शन क्या है ये बता दे, बता मेरे को बॉलिंग का ऑप्शन क्या है? बॉलिंग है सर, आज तुमने बोल दिया कि शाहीन नहीं था, शादाब नहीं था, मुझे बता कौन आएगा बॉलिंग में? बॉलिंग के ऑप्शन यही है ना, मोहम्मद वसीम जूनियर को आप लेने के लिए आए, जमान खान और अबरार अहमद को तो आपने रिजर्व में रखा है, जमान इससे बाहर तो छोड़ दे, बेटर प्लेयर है वो, तो चलो बाहर गए, मैं कह रहा हूं वो छोड़ दे, वो तो अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है ना अबरार, अवेलेबल है, इन्होंने तो उसामा मीर को भी निकाला, उसामा मीर को भी निकाला, आपके पास चॉइस क्या है? यही चॉइस है, शाहीन आएगा, शाहीन हारिस, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, शादाब, नवाज, ये छह हो, ये छह हो सकते, अच्छा ये छह भी नहीं खिलाएंगे, पांच बॉलर खिलाएंगे बीच में, आगा सलमान, इफ्तिकार वगैरह वो आपके लिए पार्ट टाइम करते हैं, आगा सलमान बॉलर थोड़ी ना, पार्ट टाइम आपके लिए
मोस्ट प्रोबेबली शाहीन शाहीन देखो मोहम्मद वसीम जूनियर को तो कानों को लगा लो भाई, उसको तो बोलिंग उसको बोलने वो होगा भी तीन पेस आपने उसको बोलिंग दी, वो इतना रिकॉर्ड बनाएगा हर मैच में सेंचुरी बनाएगा वो बॉल से हर मैच में सेंचुरी मार रहा होगा मोहम्मद वसीम जूनियर, वो पहला ऐसा पाकिस्तानी बॉलर बनेगा जिसने पूरे टूर्नामेंट में सेंचुरी खाई है हर मैच में। तो आप ले लो आप शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ, हारिस, हसन अली, तीन तो ये हो गए मेन, शादाब एंड नवाज, नवाज, कुटाप्पा, ये फुल कुटाप्पा नहीं वैसे कुटाप्पा न्यूजीलैंड ने कर दिया। अभी आप इंग्लैंड को देखो, इंडिया ने आना है इंडिया अहमदाबाद में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना है, भाई मैं तो सोच रहा हूँ आपको कितने कुटाप्पा मतलब इन इन पिचेस आप सोचो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली कितने खुश हो रहे होंगे, मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम, विकेट टेकिंग की ऐसी की ऐसी आई, इससे पूरी हालत नहीं हो सकती बॉलिंग की, बैटिंग तो फिर भी ठीक है। अभी तो मैं बोलता हूँ फखर जमान को खिला लो, हालांकि पहले 10 ओवर में 33 पर वन ही था, पिच इतनी हलवा पिच मिली हुई है उसपे भी 10 ओवर में 33 पर वन, चलो कोई बात नहीं, नर्व्स होंगे, वर्ल्ड कप अभी शुरू, विकेट गिरा था, सारी बातें मान ली आपकी, सारी बातें मान लीजिए, लेकिन बोलिंग भाई मेरे, आपकी कप्तानी आपकी बोलिंग करेगी क्या? आपने ऑप्शन क्या रखना है अब, या तो बाबर उसामा मीर को खिलाए और नवाज को बिठाए या शादाब को बिठाए, अच्छा मोहम्मद वसीम जूनियर को भी खिला के क्या वो फाड़ लोगे भाई, उससे बाद में छक्के खा के यूं ही करना है ना, तो क्या फायदा यही हो रहा होगा कोई गल नहीं बस, और क्या हो रहा होगा। तो जब अच्छी खासी बैटिंग क्लिक कर रही है, कप्तानी आपका कप्तान भी कॉन्फिडेंट है, तो कप्तान ने बॉलिंग ऑप्शन रखा क्यों नहीं, मेरी तो ये समझ नहीं आ रही भाई। आपके पास धानी था, ठीक है आपके पास नसीम शाह, एक नसीम शाह के जाने से, एक इंडिया के 228 रन के कूटने से तुम्हारी टीम बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो गई है, इतना बुरा। ठीक है वार्म अप मैच है, हम ज्यादा नहीं बोलते, हो सकता है मैच के अंदर आप और बेटर कर जाओ, लेकिन यार मेरे को तो इनका बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत कम लग रहा है, बॉलिंग स्टैंडर्ड यार देखो, अगर शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से विकेट ना ले पाए खत्म है, हर मैच में 350 खाएंगे, हर मैच में 350 कोई बड़ी बात नहीं, अफगानिस्तान भी 300 मार रहा हो, नेदरलैंड भी 280 मार दे, इंडिया 400 मार दे, है ना, ऑस्ट्रेलिया और या साउथ अफ्रीका या आपके इंग्लैंड के हत्थे चढ़ गए तो 500 रन पड़ जाए, बॉलिंग है। पहला गेम नेदरलैंड के साथ है, जमान खान बोलता रहा हूँ नेदरलैंड मार दे, अच्छा बोलो मेरे को लगा मैंने बोला नेदरलैंड भी 270-80 मार दे फिर क्या करोगे, आराम से बना सकती है भाई, नेदरलैंड की टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके टूर्नामेंट जीत के आ रही है, आज बाबर आजम की शक्ल देखने वाले थे कि ए होया की है, ए की होया सडनाल अटाइंग बैटल्स भी कौन ने यार, ए कौन ने, ए कौन मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले ने यार, कैसे मतलब कोई बाबर सबकी शक्लें देख रहा है, हारिस आ रहा है चौके छक्के पड़ रहे, मोहम्मद वसीम जूनियर वो तो बचपन से सर्टिफिकेट लेके आया है कि मैं पिटूंगा, अभी भी जूनियर ही है, खिलाना खिला लो मैं पिटूंगा, अभी भी जूनियर है, पाकिस्तान टीम में डिजर्व नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये है भाई, बड़ी बात ये है, मैं ये समझ रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना कि चलो ठीक है यार वार्म अप गेम है कोई बात नहीं, अपना अपना 100% नहीं दिया, 100% तो अभी न्यूजीलैंड ने भी नहीं दिया है, आप तो फिर भी भाई पता नहीं क्या सोच के बैठे, आपको यहाँ पे शो करना चाहिए था, केन विलियमसन रिटायर्ड आउट, मिचेल रिटायर्ड आउट, मिचेल रिटायर्ड आउट, डेवन कॉनवे जीरो पे आउट हुआ था उसके बावजूद, उसके बावजूद ये हाल है, रिटायर्ड आउट ना होते इन्होंने तो 40 ओवर से पहले पहले चेस कर लेना था, इतना भी नहीं होता, रिकॉर्ड ना बन जाता, जितना मर्जी वार्म अप मैच हो जाए इतना भी नहीं होता भाई, तुम्हारा मोहम्मद भाई वार्म अप करने आए हो ना कि अपनी पिटाई करवाने आए हो, अपनी बेइज्जती करवाने आए हो, वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच हो रहा है ये बहुत खराब मैसेज दिया, क्या देख रही है आगे के मैचेस के लिए खराब मैसेज, आपने कोई फाइट दिखाई है, आप क्या पिटने आए क्या, अच्छा आप क्या बेवकूफ बना रहे लोगों की, नहीं जी हम पहले पिटेंगे फिर बाद में अपनी असली गेम दिखाएंगे, भाई तब तक वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, जब तक आपको समझ में आएगा ना यहाँ पे खेलना कैसे, डैरिल मिचेल ने आपके हेनरी ने, चलो बॉलिंग की बात करते हैं, न्यूजीलैंड के बॉलिंग की बात कर लो, हेनरी ने अच्छी बॉलिंग कराई, इसोडी आपके इसोडी छोड़ दो, सैंटनर दो विकेट ले गया, दो विकेट, वो भी तो सीरियसली बॉलिंग करा रहे थे ना, आपने उनको भी मारा, सैंटनर को बाबर ने छक्का मारा, सैंटनर ने सेम ओवर में आउट कर दिया, आपके बॉलर से क्यों नहीं आउट हो रहा, आपके बॉलर लेवल नहीं है, ना स्पिनर अच्छे हैं, आपके बॉलर को तो रचिन रविंद्र मार गया भाई, जिसको कोई जानता नहीं है, जो कुछ पता नहीं है, आपका आज की डेट में वही हाल है कि एक बैटर खड़ा हुआ है ना, बॉलर आ रहा है फास्ट बॉलर, वो आके बॉल कर रहा है, वो बॉल निकल जा रही है, उसको पता नहीं चल रहा बॉल हो कब रही है ना, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी में बोला अंपायर ने नो बॉल, कहते सर पता सी है, देखो गेंद ही नहीं है, अच्छा यही वाली बात है कि मतलब आप तो ऐसे कर रहे हो कि सब कुछ Everything is okay. जय जय राम कृष्ण हरी जो भी हो जाए डोंट वरी भाई, बॉलर क्या किसी को अब क्या फ्लाई करवाओगे पाकिस्तान से, कौन आएगा, मोहम्मद आमिर को बुलाओगे, मुझे लग रहा है कि बाबर खुद बोलिंग कर रहे हैं, हसन अली ने बाबर नो बॉल भी थी, नो बॉल डाली, नो बॉल ठीक है, नो देखो वो खेल दी रहा बड़े टाइम, नो बॉल हो गई हो गई, मैं कह रहा हूँ कुटाप्पा जो हुआ है वो रुकेगा कहाँ, हसन अली भी दिल पे पत्थर रख के आया, हसन अली वो आदमी है जो इस वर्ल्ड कप से पहले बोल रहा था कि मेरी तो जगह ही नहीं बनती वर्ल्ड कप स्क्वाड में, उसको तुमने डाल दिया,
मुझे ये बता दो कि आज चलो शुरू में उसकी बॉल स्विंग हो रही थी, मान लिया मैंने, शुरू में लग रहा था शायद कुछ कर जाए, बट जो उसका कुटापा होना शुरू हुआ, ओए होए होए।